फिजिक्स। इसके पहले हम लोग बायोट सवार्ट लॉ का एप्लीकेशन देखे हैं और जिसका उपयोग करते हुए मैग्नेट फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरी कॉइल का वैल्यू हम लोग याद किए हैं। अब दूसरा इसका एप्लीकेशन बहुत पूछता है, यह है कि यूजिंग बायोट सवार्ट लॉ फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए कि करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, और इस करंट कैरिंग कॉइल से करंट मान लीजिए आई फ्लो कर रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए इसके सेंटर उसे मान लीजिए आर दूरी पर एक पॉइंट पी लेते हैं, दैट पॉइंट इज ऑन द एक्सिस ऑफ दिस करंट कैरिंग सपोज कीजिए, ठीक है, जहाँ पर हमको इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉल एलिमेंट लेंथ का उपयोग करते हैं, लेते हैं जिसका लेंथ dl, ठीक है, और फिर तो इस पॉइंट से हम लोग p को मिला देते हैं, यह मान लीजिए r डिस्टेंस है, ठीक है, यह हो गया मान लो a b, फिर इससे सर्कुलर लूप के बीच की दूरी मान लो a, दैट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल, ठीक है ना। अब देखिए तो ऑफिशियली यह इसका एंगल कितना होगा, यह टेंजेंट है तो 90 डिग्री होगा, कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, फिर उसी प्रकार ड्यू टू दिस एलिमेंट करंट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट आपको डीवी बराबर आप लिख सकते हो म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा मतलब 90 डिग्री बाई आर स्क्वायर, चूँकि यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी आर है, ठीक है, अर्थात यह हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई आई इंटू साइन 91 होता है इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसके अपोजिट भी यहाँ पर हम लोग करंट एलिमेंट ए डैश बी डैश मान लेते हैं, दैट इज जस्ट अपोजिट टू द ए बी, हैज द सेम मैग्नीट्यूड ड्यू टू द करंट एलिमेंट ए बी, बट इट्स डायरेक्शन इज दैट ऑफ मान लो हम यहाँ पी एम मान लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह इसका डायरेक्शन जो है यहाँ देखो फिगर क्वेश्चन यह हो गया एल मान लो, यहाँ हो गया एम, तो यहाँ हो गया एम
यहाँ हो गया पीएल, या डीबी हो गया वेक्टर, इधर जस्ट अपोजिट टू द डीबी डेसिमल, ठीक है, यह एंगल थीटा है, यह भी एंगल थीटा है, यहाँ से इसके बीच की दूरी जो है पी पॉइंट से, यह भी मान लेते हैं, यह जो है हम लोग मान लो सी डैश मान लेते हैं, यहाँ हम लोग सी दिए हैं, तो यह भी एंगल थीटा है, तो यह भी एंगल थीटा हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया नाउ मोड ऑफ डीबी वेक्टर इज इक्वल टू द मोड ऑफ डीबी डैश वेक्टर, मैग्नीट्यूड में समान है। अब देखो बोथ डीबी एंड डीबी डैश कैन बी रिजॉल्व इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है ना। द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट एलिमेंट्स ए बी एंड ए डैश बी डैश एलो कैंसिल ईच अदर एज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, द सेम विल होल्ड फॉर सच अदर पेयर्स ऑफ द करेंट एलिमेंट्स ओवर द इंटायर सरकमफेरेंस, ठीक है ना, ऑफ द लूप। देयरफॉर ड्यू टू द वेरियस करेंट एलिमेंट द कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली अलोंग दिस डायरेक्शन, दैट इज सपोज दैट हियर पी एक्स, ठीक है, डी बी यहाँ हो जाएगा डी बी कॉस थीटा, और यह हो जाएगा डी बी कॉस थीटा, यह हो गया डी बी साइन थीटा, या इसके कारण भी हो जाएगा डी बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ जो होगा ड्यू टू द वेरियस करेंट एलिमेंट्स द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल कंट्रीब्यूट टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल लूप एट दिस पॉइंट पी, ठीक है। अब देखो कैसे हम लोग निकालते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड केवल यह डीबी साइन थीटा और डीबी साइन थीटा के कारण ही होगा, और डीबी कॉस थीटा और डीबी कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है जो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, तो यह एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू होल लूप करेंट करें क्या, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो बी बराबर हो जाएगा डी बी साइन थीटा, डी बी साइन थीटा, और डी बी साइन थीटा का वैल्यू हम लोग रखते हैं डी बी का, तो इतना आता है, अर्थात म्यू नॉट बटा फोर पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन साइन थीटा रखते हैं। अब देखिए इसको, यह तो कांस्टेंट है तो वेरिएबल यह होगा साइन डी एल म्यू नॉट बटा फोर पाई आई साइन थीटा बटा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, डी एल का मतलब क्या, टोटल लेंथ ऑफ दिस लूप, तो म्यू नॉट बटा फोर पाई साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, और लेंथ इसका टोटल क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा ऑफ दिस लूप सर्कुलर लूप, तो सरकमफेरेंस इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टू पाई वेयर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बराबर टू पाई। अब देखिए हम इस ट्रायंगल में साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, अर्थात नाउ इन ट्रायंगल ओ सी पी, तो साइन थीटा बराबर कितना होगा,
यह हो गया परपेंडिकुलर, यह हो गया हाइपोटेनस या बेस। तो यहाँ से इसकी दूरी हम लोग एक क्या करते हैं एक्स मान लेते हैं, यह हो गया आर बाई ए बाई आपको आर, ए बाई आर हो गया। तब इसका वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो बी बराबर हमारा आ जाएगा म्यू नॉट बटा फोर पाई टू पाई ए बाई आर स्क्वायर। अब साइन थीटा की जगह पर इतना वैल्यू रखेंगे ए बाई आर, तो बी बराबर हो गया म्यू नॉट बाई फोर पाई टू पाई ए स्क्वायर, यह क्या हो गया आर क्यूब हो गया, आर स्क्वायर आर में गुना हो गया तो आर क्यूब, ठीक है। अब फिगर से फ्रॉम फिगर आर बराबर क्या होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रूट के बदले वन बाई टू लिखेंगे, ठीक है। तो यह वैल्यू फिर रखेंगे इसका आर का, तो बी म्यू नॉट बटा फोर पाई टू पाई ए स्क्वायर आर क्यू है, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर थ्री बाई टू, इतना हो गया। अगर मान लो इस लूप का या क्वाइल का एन टर्म्स हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ द लूप हैज एन टर्म्स तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटा फोर पाई टू पाई एन ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर थ्री बाई टू। तो ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर क्वायर मैग्नेटिक फील्ड का मान इतना होगा ड्यू टू करेंट कैरिंग लूप, करेंट कैरिंग क्वायर म्यू नॉट बटा फोर पाई टू पाई एन ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थ्री बाई टू, इतना होगा। अब जैसे कि हम लोग निकाले हैं कि सेंटर के लिए एक स्पेशल केसेस देखिए, स्पेशल केस अगर इसको भी याद रखते हो और तुमको सेंटर पर इससे एक लाइन बढ़ जाओगे तो सेंटर पर भी इसी में लिख सकते हो। जैसे हम याद देते हैं स्पेशल केस में मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, तो क्या होगा सेंटर पर जब आएगा देखो यह पी पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा जीरो, तो एक्स बराबर हो जाएगा जीरो, तो एक्स बराबर जीरो हो जाएगा तो म्यू नॉट बटा फोर पाई टू पाई एन ए स्क्वायर, एन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द क्वाइल है और उसके बाद यह जीरो हो जाएगा तो यह हो जाएगा ए क्यू, यहाँ कट गया तो बी बराबर म्यू नॉट बटा फोर पाई टू पाई एन बाई ए। अब यहाँ पाई से पाई काट सकते हैं यह हो जाएगा टू, अच्छा बी बराबर म्यू नॉट बाई टू पाई एन, और इसमें आई छुटा हुआ है, देखो आई हम लोग यहाँ छोड़ दें आई 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 आई, तो म्यू नॉट बटा टू आई एन, ठीक है ना, बाई ए, इतना आया था हमने पहले बताया था। इस तरह हम लोग मैग्नेटिक फील्ड
due to the current carrying coil at the axis of the coil हम लोग निकाल सकते हैं।